गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी मैं आती जा रही हूँ हेयर वॉश करके, तो टॉवल लगा ली थी ताकि बालों का पानी सूख जाए। वैसे और यहाँ पर नाना जी छिपकलियों को सिंक से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी। मैंने सुबह आके गेट खोला और लाइट खोली तो एकदम से सिंक में किसी के चढ़ने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बड़े आराम से बिल्कुल पास में खड़े होके देखा, चिपक के ही खड़ी हो जाती हूँ मैं तो उसके स्लिप से, और एकदम देखा इतनी बड़ी बड़ी दो छिपकली, मेरी तो जान निकल गई। मैं पीछे वापस तुरंत भागी और फिर नाना को बताया। नाना ने दबा दबा के झाड़ू में फिर पैदान से निकाला उनको बाहर। और सब्जी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, अभी रोटी गर्मा गर्म बनाई है और चावल रखे हैं। चावल वैसे नानी ज़्यादा खाती नहीं है, नाना तो दलिया खाते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए रख दिया है थोड़े से, मुझे चावल अच्छे लगते हैं। आज मैंने आलू और वो बरी जो होती है ना दाल वाली, उसकी मिक्स सब्जी बनाई थी। और खाना होने के बाद नाना जी को यहाँ जूस बनाया है। उसके बाद अंकल जी आ गए, उनको चाय बनाई और अब जा रहे हैं। नाना बोल रहे थे कि लड्डू बना लो दलिया के साथ, जो आटा मतलब कि थोड़ा सा दलिया पिसाने गए थे नाना, तो वो उन्होंने थोड़ा ख़राब कर दिया था, दलिया नहीं हुआ था, आटा हो गया था। तो नाना कह रहे थे ये मोटा मोटा आटा है, इसके लड्डू बना लो। और वैसे भी वो इस समय पर चाय पीते हैं ना, एक तो चाय बहुत कम करती है, दो बार ही पीते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला था खाली चाय मत पिया करो, ठंडी करके चाय और उसके साथ कुछ ले लिया करो। तो बस वही बिस्किट विस्किट लेके आते हैं, इस वजह से नाना बोल रहे थे कि लड्डू बना दो और लड्डू ले लिया करेंगे हम चाय के साथ, सही रहेगा। और नाना के फेवरेट है आटा और गुड़ के लड्डू, वो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो जा रहे हैं, मैं नानी वही बना के रख दे थोड़ा बहुत। यहाँ पर मैं आटा भूंज रही हूँ और ये आटा है रेड वाले गेहूँ का, जो कि काफ़ी मतलब कि पौष्टिक होता है रेड वाला गेहूँ, तो उसी का है ये आटा है। और आज इसका ना दलिया बनवाने ले गए थे नाना चक्की में, लेकिन नाना ने उसे दे दिया, बता नहीं पाए कि इसका दलिया बनाना है, उसने आटा बना दिया। फिर लास्ट टाइम बताया तो क्या है कि वो दलिया और आटा ज़्यादा हो गया था, थोड़ा मिक्स हो गया था, तो फिर बोला कि छान लेना, छानने के बाद यूज हो जाएगा। तो फिर नानी बोली ये तो छान के अच्छा निकल आया आटा, कुछ बना देते हैं नाना के लिए। नाना बोले हमारे लिए लड्डू बना दो, ये मोटे मोटे आटे के लड्डू सही रहते हैं। और ये घी और गुड़ के जो लड्डू मिक्स होके बनाते हैं ना आटा में, ये नाना को पसंद भी है, तो बस वही मैं और नानी बना के रख रहे हैं नाना के लिए। और यहाँ पर घी में आटे को मैंने अच्छे से भून दिया, जो मेवा डालनी थी वो भी मैंने घी में हल्के हल्के भून दिया। घी बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि नाना को नुकसान करेगा ज़्यादा घी, तो हल्का ही हल्का, मतलब जितने में चीज़ें भूंजी हैं बस उतने ही। और यहाँ पर गुड़ को पकाया है और इसको आटा में मिक्स कर दिया, ठंडा हो जाएगा फिर लड्डू बनाएंगे। और इस समय पर ना मैं अपने डेली वीडियो इसलिए नहीं डाल रही हूँ, कल ना किसी का कल की वीडियो में किसी का ऐसा कमेंट्स आया था कि तुम काम वाली हो क्या, काम काम दिखाती रहती है। तो बताऊँ इस समय पर मैं घर में ही हूँ और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ऐसे बोरिंग वीडियो बनाऊँ, मुझे मैं बहुत इसी वजह से मैं ना एक दिन छोड़ के ही वीडियो डालती हूँ। लेकिन मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, घर में कोई हो साथ कोई हो, बाहर जाओ कुछ कंटेंट नया लेके आओ, उसमें क्या मेहनत लगती है, जाना पड़ता। अब घर के अंदर काम करते रहो काम का, तो फिर कुछ आ नहीं पाता दिमाग में, बस काम ही काम रहता है।
तो बस उसी वजह से मैं कुछ नया नहीं लेके आ पाती हूँ वीडियो में। तो मुझे खुद लगता है कि कहीं आप लोग मेरे वीडियो से बोर तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं डेली नहीं डालती, एक दिन छोड़ के ही डालती हूँ, ताकि और घर में काम करते रहना बस उसी का थोड़ा बहुत वीडियो बन जाता है, कहीं बाहर जा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करने बैठती हूँ उसमें मैं तो नाना मुझे दो बार बुला लेते हैं, कहीं दवाई देना होता है, कहीं कुछ देना होता है, कहीं गेट पे कोई आ जाता है, तो सब अकेली हूँ ना, तो इस समय पर ये सारा काम मुझे भी वो देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा बस उसी वजह से मैं वीडियो में नया कुछ लेके नहीं आ पा रही। देखो दू एक क्यों नानी को नहीं पसंद आएगा? बिल्कुल एक तो ले लो टेस्ट करके तो देखो। तो यहाँ पर बन गए ये सारे लड्डू बन गए, और आपको टेस्ट करा दो, लो ये लीजिए, आप लोग टेस्ट कीजिए ना, लास्ट वाला लड्डू है, सबसे बड़ा वाला जी नहीं है, ये है, ये तो आप सब एक ही जैसे लग रहे हैं, मुझे लग रहा था मैंने लास्ट वाला सबसे बड़ा बन, ये रहा सबसे बड़ा, आप लोग टेस्ट करिए। ये लोग नानी अभी बहुत ढीले ढीले है ना, ऐसे टाइट थोड़े अच्छे लगते हैं नाना के लिए, सही है क्योंकि नाना के दांत वैसे हैं, उनको तो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए, लेकिन जिसमें ये मेवा डली है ना उसमें थोड़ा सा टाइट होते तभी वो टेस्ट आता है ना। कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे ही खप जाएंगे, चलो चलो छत में चले, नीचे अच्छा नहीं लगता, शाम हो जाती है तो चुपकली ना चाट ले, काम धरे हो सो मदारी आप पहुंच के पहन दी हो मां। हां चुपकली का तो इतना नाम सुन के गया, आज सिंक में ना सुबह जैसे ही गई थी बोला खोला था देख के एकदम मेरे दोनों ना हवा टाइट हो गई थी, दो दो चुपकली डली थी सिंक में, और वो भी छोटी नहीं इतनी मोटी मोटी और काली काली। और यहाँ पर अभी छत में आई हूँ, तो चने नाना जी ने इकट्ठे करके रखे थे, तो इनको भर दो, छत खाली नहीं रहती है, कभी गेहूँ डले रहते हैं तो कभी चने डले रहते हैं, पता नहीं ये फसल वाला टाइम क्यों आता है, हमेशा कुछ ना कुछ छत में डला ही रहता है, कुछ या कुछ ना होगा तो फिर धूप में दालें ही डाल देती हैं नानी, डलवा देती हैं कि इनमें ही धूप लग जाए, कुछ भी हो लेकिन छत खाली नहीं रह सकती है, बस उसको समेटा। उसके बाद अभी मैं डालने जा रही हूँ पेड़ों में पानी, क्योंकि अब पेड़ों में पानी एक दिन ना डालो तो बेचारे दूसरे दिन ऐसे डेड हो जाते हैं, बिल्कुल से मुरझा जाते हैं। रात का टाइम और डिनर सबका हो चुका है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन साफ, और जब मैं काम करने आती हूँ तभी मुझे वीडियो बनाने की याद आती है, वैसे दिन में खाली बैठी रहती हूँ, आलस आता रहता है, तब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं रहता कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, बस काम के ही टाइम याद आता है। पहले पूरा दिन इकट्ठा किचन को फैला लेती हूँ, फिर रात में एकदम साफ करके डालती हूँ, और आज तो नानी ने स्पेशली बोला था क्योंकि कल पूजा नहीं, वो जो होली के दिन कुछ बना के रखा था ना नानी ने, गुजिया वगैरह वो चढ़ानी होती है, पूजा करनी होती है उनका, बसे औरा बोलनी थी चढ़ता है नानी, तो वही उसी की वजह से नानी कह रही थी किचन जूठी नहीं डाली जाती है साफ करें, तो वैसे भी डेली साफ करती थी लेकिन इतनी टाइम मुझे अभी किचन साफ साफ अच्छी लगती है, क्योंकि पूरा दिन तो फैलाती रहती हूँ, जो कुछ रखते जाओ बर्तन भी इकट्ठा करके रखते जाओ, बाद में धुलूंगी, अब जा रही हूँ हाथ पैर धुल के और चोटी वोटी करूं, फिर थोड़ी देर पढ़ने बैठूं, कितना टाइम हो गया नाना को फोन नहीं देखती, 9:30 हो गया यार, आधा घंटा लग गया वो काम करने में।
और बस इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर आज का वीडियो आप लोगों को बोर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो ब्लॉग आगे आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।